अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सलमान भट्ट और यह है अली नवीद। इनका यूट्यूब चैनल है क्रिक ब्रिज के नाम से, जहाँ पे आपको मेरा लेटेस्ट इंटरव्यू भी मिलेगा एंड आई थिंक प्रोबेबली द फर्स्ट वन। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। सलमान भाई, हम रैपिड फायर करने जा रहे हैं, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो आप इनके बारे में बताइएगा। सर, बाबर आजम और विराट कोहली, देखिए अगेन ये वही ड्रा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट ड्रा नहीं होता। बाबर करंटली इज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, कोहली लेटली हैजंट हैड द ग्रेटेस्ट ऑफ टाइम्स, बट जब उसका टाइम था ही वाज आउटस्टैंडिंग, उधर वर्गा दुनिया कोई नहीं सी। और देखे एक बंदे की 70 सौ है और पिछले 3 साल बाद उसने 100, सो इमेजिन द नंबर ऑफ टाइम्स ही स्कोर्स 100। और जिस तरह की उसकी फिटनेस है, जो उसने हारिस रऊफ को छक्के मारे ना फाइनल में, इस प्रेशर के अंदर बंदा ना ये वाले शॉट सोचते ही नहीं है आम लोग। ये वेरी हाई क्लास स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप इतने प्रेशर में ऐसे बैकफुट पे सीधा छक्का मार दें। जब आप पे पड़ती है ना, जब मारना है तो आप दो चीजें सोचते हैं कि बस जोर दिया इधर को मार देनी, जितने मर्जी अच्छे हो, जिस मर्जी पे डिग्री की हो, मोस्ट पीपल वुड डू दैट, बट ही डिड व्हाट नोबडी वाज थिंकिंग। I was so impressed. Obviously, being a cricketer, it's a high-class state of mind. It's not everybody. It was jam-packed, 100,000 crowd, and you know. But he was not thinking this. Yeah. उसका ये खाली था. Yeah. और he knew कि मैंने एक execute करने जा रहा हूँ एक चीज, and that's all he cared about. ठीक है ना? और उसमें भी होता है कि end of the day हो गया. ना होता है अल्लाह की मर्जी, हो भी गया तो अल्लाह की मर्जी। और उन्हें क्या भी सी कि मैंने नहीं पता किस तरह आएगी, किस तरह होगा। हाँ. ठीक है ना? और मैं उसकी ऑनेस्टी से इतना इंप्रेस हूँ, वरना लोग कहते हैं मैं इंजी कितना, मैं प्रैक्टिस कितनी सी, मैं इंजी कर देना जी, ये चीजें प्रैक्टिसों से नहीं होती खाली। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू एडमिट के जो अच्छी परफॉर्मेंस है, जो बुरी परफॉर्मेंस है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, नो मैटर हाउ गुड यू आर।